हेलो एवरीवन इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे के पीजीटी एस पी बायोलॉजी से रिलेटेड इम्पोर्टेंट टॉपिक इम्पॉर्टेंट चैप्टर कह सकते हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ेस के बारे में फ्रेंड्स हम के पीजीटी एस पी बायोलॉजी के सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने भी टॉपिक्स दिए गए चैप्टर वाइज वन बाई वन हम डिस्कस कर रहे हैं हमारे वीडियो वीडियो सीरीज में यूट्यूब uh, चैनल पे एक प्लेलिस्ट बनाया गया है मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट बनाया गया है के करके तो आप उस के को विजिट करेंगे तो पाएंगे कि जितने भी टॉपिक्स हैं के के वी एस बायोलॉजी से रिलेटेड वन बाई वन चैप्टर को डिस्कस किया गया है नियर अबाउट फिफ्टी फिफ्टी क्वेश्चन ऐड किए गए हैं सो so आप विजिट कर सकते हैं और जितने भी चैप्टर सिलेबस में दिए गए हैं लाइक बायोटेक्नोलॉजी इकोलॉजी फिजोलॉजी क्लासीफिकेशन पॉपुलेशन कंजर्वेशन जितने भी टॉपिक्स हैं आपको वन बाय वन वहाँ पे लेक्चर्स एंड क्वेश्चंस आंसर मिल जाएंगे सो so, इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे ह्यूमन हेल्थ और डिजीज से रिलेटेड इम्पोर्टेंट एम जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं और कुछ ऐसे भी क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट हैं प्रीवियस के बेस्ट वे तो उस इस वीडियो लेक्चर में हमने एड किया है सो वन बाई वन देखते हैं और प्लीज़ आप विजिट करिए उस प्लेलिस्ट को देखिए सो so, आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके स्क्रीन पे है विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज़ अ पेयर ऑफ वायरल डिजीज गिवन ऑप्शन में आपको वायरल डिजीज का पेयर बनाया गया उसमें से आपको सेलेक्ट करना कि वायरल डिजीजेस कौन सा है तो पहला ऑप्शन आपका जो है कॉमन कोल्ड एंड एड्स बी ऑप्शन आपका टाइफाइड एंड ट्यूवरकेसिस सी रिंग बॉम और एड्स डी ऑप्शन है आपका डाइसेनेट्री एंड कॉमन कोल्ड तो गिवन ऑप्शन में से आपको गिवन ऑप्शन में से आपको आंसर बताना है सो so, कॉमन कोल्ड और एड्स जो होता है वो वायरल डिजीज होता है हमें पता है तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो गया Uh, ट्यूबर इसमें बी ऑप्शन में आपका uh, टाइफाइड एंड ट्यूबरकुलोसिस ट्यूबरकुलसिस आपका वैकल डिजीज़ हो गया या सी ऑप्शन में आपका रिंग वाम वाम डिजीज़ है सो ये ऑप्शन नहीं होगा सही और डायसनेट्री uh, जो होता है वो इन्फेक्स डिजीज है सो ये वायरल नहीं है सो आपका ए ए ऑप्शन राइट हो गया क्योंकि कॉमन कोल्ड और एड्स दोनों वायरस से होता है सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं इन्फेक्स प्रोटीन आर प्रजेंट इन गिवेन ऑप्शन इन्फेक्सियस प्रोटीन प्रजेंट इन गिवेन ऑप्शन आपका है सेटेलाइट वायरसेस जेमनी वायरसेस प्रांस एंड वायरोइड्स तो आपका राइट right आंसर क्या हो जाएगा प्रांस इन्फेक्सियस प्रोटीन इसको बोलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज काज बाई वायरसेस एंड ट्रांसमिटेड बाई मॉस्किटो गिबेन ऑप्शन में से कौन सा डिजीज वायरस से फैलता है एंड ट्रांसमिट मॉस्कीटो से होता है गिबेन ऑप्शन आपके हैं प्लेगस टाइफस बी ऑप्शन सी एलोफीवर एंड डी फाइलेरिस तो आपका राइट right आंसर हो जाएगा गिवन ऑप्शन में से फीवर एलोफीवर फीवर वायरस से काज होता है एंड ट्रांसमिट किससे होता है मॉस्किटोज से होता है सो so, आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है एल्जाइमर डिजीज इन ह्यूमन इज एसोसिएटेड विद द डिफिशियंसी ऑफ एल्जाइमर डिजीज जो ह्यूमन से एसोसिएटेड है वो, कि, वो किस वो किसके कमी से होता है तो गिवन ऑप्शन हो गया गाबा बी ऑप्शन हो गया एसिटाकोलिन सी ऑप्शन हो गया डोपामीन एंड डी ऑप्शन हो गया आपका ग्लूटामिक एसिड तो राइट आंसर आपका हो जाएगा एसिटोकोलिन तो एल्जाइमर डिजीज जो ह्यूमन से एसोसिएटेड है वो एसिटोकोलिन की डिफिशेंसी से होता है सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कैंसर सेल आर डैमेज बाय रेडिएशन वाइल अदर सेल नॉट बिकॉज कैंसर सेल आर कैंसर सेल जो होता है वो उसको डैमेज कर सकते हैं रेडिएशन से सबको पता है वाइल अदर सेल आर नॉट बिकॉज कैंसर सेल आर तो अदर सेल को रेडिएशन से नहीं डैमेज कर सकते हैं बिकॉज कैंसर सेल क्या होता है अंडर गोइंग रैपिड डिविजन डिफरेंट इन नेचर स्टारवर्ड नॉन ऑफ द एव तो आपका राइट right आंसर हो जाएगा अंडर गोइंग रैपिड डिवीजन रैपिड डिवीजन को रेडिएशन रोक देता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज ड्यू टू एन एलर्जिक रिएक्शन गिवन ऑप्शन में से आप डिजीज का नाम दिया गया उसमें से आपको एलर्जिक रिएक्शन कौन सा डिजीज ऐसा होता है जो एलर्जिक रिएक्शन से होता है इंटेरिक फीवर ए ऑप्शन बी हे फीवर सी स्किन कैंसर एंड डी ग्वाइटर तो आपका राइट right आंसर हो जाएगा हे फीवर कारसिनोमा रेफर टू किन ऑप्शन आपके हैं विनेगर ट्यूमर टू ऑफ द कनेक्टिव टिश्यूज बी ऑप्शन आपके हैं मेलिंगनेट ट्यूमर ऑफ द स्किन और म्यूकस मेमब्रेन मेलिगनेट ट्यूमर्स ऑफ द क्लोन एंड डी ऑप्शन है मेलिग्नेट ट्यूमर्स ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू तो गिवेन ऑप्शन में से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेलिगनेट ट्यूमर ऑफ द स्कीन आर म्यूकस मेमब्रेन इसको क्या बोलते हैं कार्सिनोम बोलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा सिरोसिस ऑफ लीवर या सिरोसिस बोलते हैं सिरोसिस ऑफ लीवर इज काज बाय क्रोनिक इंटेक ऑफ टोबैको च्विंग एल्कोहल बी ऑप्शन सी कोकीन डी ओपीएम तो आपका राइट right आंसर क्या हो जाएगा एल्कोहल सिरोसिस जो होता है लीवर में जो सिरोसिस होता है वो एक्सेसिव इंटेक ऑफ एल्कोहल से होता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया मोटाइल जाइगोट ऑफ प्लाज्मोडियम अकर इन हुमन ग्लैंड ऑफ एनाफिलीज हुमन लिवर एंड गट ऑफ फीमेल एनाफिलीज तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा गट ऑफ फीमेल एनाफिलीज नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ग्वाइडर कैन अकर एन एज एन एज अ सिक्वेंसेज ऑफ ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट आयोडीन डिफिशेंसी बी ऑप्शन पिट्रोट्री एडिनोमा सी एक्सेसिव इंटेक ऑफ एक्जोजिनस थारॉक्सीन या डी है ग्रेफ्स डिजीज तो गिवेन ऑप्शन में से आपका राइट right आंसर क्या हो जाएगा एक्सेसिव इंटेक ऑफ एक्जोनस थायरोक्सिन नेक्स्ट क्वेश्चन है एड इज इज अ बैक्टर फॉर फीवर बी ऑप्शन है जेपनीज एन्सेफेलिटिस सी है डेंगू फीवर फीवर या डी डेंगू फीवर एंड फीवर मीन्स सी एंड ए राइट so, आंसर right क्या हो जाएगा आपका बोथ एलो फीवर एंड डेंगू फीवर नेक्स्ट क्वेश्चन एंटीबायोटिक इन आवर बॉडी आर कॉम्प्लेक्स गिवन ऑप्शन आपके है पोस्टाग्लैंड ग्लाइकोप्रोटीन्स स्टोराइड्स लैबोप्रोटीन्स So, आपका राइट right आंसर क्या हो जाएगा ग्लाइकोप्रोटीन्स तो एंटीबॉडीज़ इन आवर बॉडी आर कॉम्प्लेक्सेज ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मैचिंग पेयर ऑफ द ड्रग एंड इट कैटेगरीज गिवन ऑप्शन आपका है पहला ऑप्शन आपका हो गया लाइसर्जिक एसिड डायमेथाइल एमाइड ये किसके नेक्रोटिक बी ऑप्शन आपका हो गया हेरोइन ये साइकोट्रॉपिक सी ऑप्शन बेंजोडाई एजेपिंस पेन किलर डी एम्फेट एमाइंस स्टूमुलेंट तो आपका राइट right आंसर क्या हो जाएगा डी एम्फे एम्फेटेम्स इज स्टूमुलेंट ये जो है ड्रग एंड इट्स कैटेगरी में राइट right है सो डी इज अ राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सिकल सेल एनीमिया हैज नॉट बीन एलिमिनेटेड फ्रॉम द अफ्रीकन पॉपुलेशन बिकॉज इट इज नॉट अ फीटल डिजीजेस इट प्रोवाइड इम्यूनिटी अगेंस्ट मेलेरिया इट इज अ कंट्रोल बायसेसिव जीन्स या इट इज अ कंट्रोल्ड बाय डोमिनेंट जींस तो आपका राइट right आंसर हो जाएगा गिवेन ऑप्शन में से बी इट प्रोवाइड इम्यूनिटी अगेंस्ट मलेरिया इसीलिए इलिमिनेटेड नहीं हो रहा है अफेरिकन पॉपुलेशन से नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट साइड फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड इज गिवन ऑप्शन बी बैक्यूल, सी गोल्गी अपरेटिस्ट एंड डी तो राइट आंसर आपका हो जाएगा गोलगी अपरेटिव नेक्स्ट हु अमंग द फॉलोइंग इज रिकोगनाइज एज द फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी गिवन ऑप्शन आपके एडवर्ड जेनर रॉबर्ट कोच ल्युस पाश्चर एंड डी इज़ एफ कहन तो राइट आंसर इज एडवर्ड जेनर द लिटर टी इन टी लिम्पोसाइट रेफर टू थैलेमस थाइमस थाइरोइड एंड टॉन्सिल तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका थाइमस नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग Is the correct matching of the vitamin and its deficiencies disease? Vitamin K related to plegra. Vitamin A is related to beriberi. Vitamin A is a night blindness, and vitamin K is a beriberi again. So, right answer. Vitamin A is a related to a night blindness. Is a right match. Correct match. एन एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड ट्यूमर इज गिवन ऑप्शन इज कौंड्रोसार्कोमा एडिनोसार्कोमा सी इज माइलोसाइटिक ल्यूक्मिया डी इज क्लिबोब्लास्टोमा सो गिवन ऑप्शन में से राइट आंसर आपका हो जाएगा माइलोसाइटिक ल्यूक्मिया सो गिवन ऑप्शन में से आपका बताना है आपको कि गिवन ऑप्शन में से रॉन्गली मैच पेयर कौन सा है तो आप आपके पास गिवन ऑप्शन है प्लेग प्लेग इज अ वायरल डिजीज फर्स्ट सेकेंड इज अ मेलीगेनेटेड मलेरिया इज अ रिलेटेड टू प्लाज्मोडियम एंड सी ट्राइकोफाइटोन इज अ रिंग डिजीज और डी है कॉमन कोल्ड इज राइनो सो so, आपका राइट right आंसर हो जाएगा प्लेग इज अ वायरल डिजीज सो ये फर्स्ट uh, ऑप्शन जो है रॉन्गली मैच्ड है बाकी सब सही है सो ए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रॉन्गली मैच पेयर पूछा है तो प्लेग इज अ वायरल डिजीज इज रोंग विच आई जी इज प्रोड्यूस्ड इन प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स गिवन ऑप्शन आपके हैं आई जी जी आई जी ई आई जी एम आई तो राइट right आंसर आपका हो जाएगा गिवन ऑप्शन में से सी आई जी एम इम्यून प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है गिवन ऑप्शन द कॉजेटिव एजेंट ऑफ मैट का डिजीज इज बैक्टीरियम फर्स्ट ऑप्शन सी वोम बी सॉरी बी बॉम सी एंड डी इज वायरस तो आपका राइट right आंसर क्या हो जाएगा प्राइन the first antibiotic was discovered by a fleming uh, louis pasteur r koch and w fleming so right answer aapka kya ho jayega a fleming next question choose the wrong statement regarding aids aids is an immune deficiency disease kya sahi hai आपको wrong बताना है तो सही choose करिए तो आपका wrong निकल आएगा HIV selective

रॉन्ग so स्टेटमेंट पूछा गया आपको तो ये बी इज अ राइट हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन के लिए हाइब्रोडोमा आर द फ्यूजन प्रोडक्ट ऑफ एब एंटीबाय एंटीबॉडी प्रोड्यूस सेल विथ माइलोमा बी नॉर्मल एंटीबायोटिक प्रोड्यूस सेल विद मायलोमा सेक्स सेल विथ माइलोमा एंड डी बोन सेल्स विथ माइलोमा तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बोन सेल बिल सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इलेक्ट्रॉन बीम थेरेपी इज अ काइंड ऑफ रेडिएशन थेरेपी टू ट्रीट काइंड किडनी स्टोन्स इन इन लार्ज प्रोटेस्ट प्रोस्टेट ग्लैंड सी गाल ब्लेडर स्टोन्स बाई ब्रेकिंग देम एंड डी सर्टन टाइप ऑफ कैंसर सो राइट आंसर आपका हो जाएगा सर्टेन टाइप ऑफ कैंसर इलेक्ट्रॉन बीम थेरेपी जो uh, दिया जाता है इज अ काइंड ऑफ रेडिएशन थेरेपी सो उसमें क्या होता है कैंसर सेल को ट्रीट किया जाता है सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका द एंटीबॉडी डिपेंड साइटोटॉक्स टॉक्सीटी इज सीन इन लोकल एनाफ्लेक्सिस जनरलाइज्ड एनाफ्लेक्सिस इम्यून कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एंड डी नॉन कॉम्पिटिबल ब्लड ट्रांसफ्यूजन सो डी इज अ राइट आंसर आपका तो टॉम एंटीबायोटिक वाच क्वाइंट बाई एलेक्जेंडर फ्लेमिंग एडवर्ड जेनर लुइस पॉशर एंड एस वॉक्समैन. तो आपका राइट डी इज अ राइट आंसर द साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन फ्रॉम सेल टू सेल आर नोन एज मिडिल लेमिला प्लाज्मो डेस्मेटा सेल मेम्रेन सिस्टम एंड एंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम सो आपका प्लाज्मो डेस्मेटा इज अ राइट आंसर